दूसरी है सर। किसे आगे वाली लाइट चली गई। एसी कंप्रेसर के ऊपर जो है वो उसके पाइपलाइन के ऊपर वो सेंसर लगे होते हैं हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर और उसमें से कोई लीक खराब हो जाए तो हम उसको दूसरे के साथ बदल सकते हैं। इसमें सर जब रेस होती है गाड़ी की इसके अंदर जब ऑयल की ज़्यादा सर्कुलेशन होती है तो वो ऑयल फिर ऑयल पंप का कोई ओवरफ्लो उधर से होता ही है या ऑयल पंप का जब ऑयल पंप अभी काम कर रहा है जब ये रेस होगी गाड़ी में 1000 RPM 2000 जब गाड़ी की स्पीड होगी तो ऑयल पंप ज़्यादा काम करेगा लेकिन जहाँ पे भी पंप होगा ना उसका प्रेशर लीक वॉल जरूर होगा। वॉल ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेशर लीक वॉल प्रेशर लीक वॉल इसके अंदर जो हाई और लो को अलग रखता है वो ब्लैक रिंग रखता है। लेवल चेक करने का भी तरीकाकार होता है जी। तरीका ये होता है कि आपने इसको गाड़ी का एयर कंडीशनर जो है ना 10 मिनट स्टार्ट रखने के बाद उसको बंद करना है एसी कंप्रेसर बंद करने के बाद उसका जो लेवल है वो होना चाहिए जो ग्लास है उसके 3/4 से 1/4 के दरमियान
एक बटा चार हिस्से से एक बटा चार हिस्से के दरमियान इसका लेवल होना चाहिए। सर जी वो बात तो आपकी सही है, ऐसे का बेल्ट में ऐसे गिराव होना चाहिए, उसको कैसे चलना है? बेल्ट को कसाई देते हैं तो बैलेंसिंग बैलेंस बेल्ट को आपने पहले तो प्रॉपर टाइट करें ना, जो उसका तरीका बार बेल्ट टाइट हो गया, ये जो कपड़ा सर होगा सेंटर में बिल्कुल करके उसका भी चेक करें, बस उसका आप जिस पोजीशन पे है सर बेल्ट टाइट होना चाहिए, बेल्ट टाइट होना, बेल्ट टाइट होना चाहिए। 10 मिनट चलाना है ए सी ऑन करना है, उसको ए सी बंद करना है, फिर साइड ग्लास में देखना है कितना लेवल है, वो 1/4 से 3/4 के दरमियान कहीं पर भी हो। सर इसमें ये कंप्रेसर की वीडियो आई है, दूसरी जो इसके प्लांट में गैस की सर्कुलेशन हो रही है मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो पहली वीडियो में थी तो ये वीडियो है, ये वीडियो सारा जब आप एसी जो है ना पूरा सीजन बंद रहा है जी, एक तो ये तरीकाकार है कि सीजन में उसको आप चलाएं थोड़े थोड़े महीने बाद करके एसी एक दफा ऑन कर, अगर आप नहीं कर जब सीजन नहीं है सर्दी में चलाएं, अगर आप नहीं उसको करते तो फिर उसमें इस तरह होता है कि पिस्टन जो है उसके उसके ऊपर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म, वो फिर जब लिक्विड फॉर्म में आती है तो लिक्विड जो है आपको पता है कंप्रेस नहीं होता, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है कंप्रेस नहीं होता, तो उस टाइम पर जब आप उसका ए सी कंप्रेसर ऑन करते हैं गर्मियों में तो वो उसको झटका मिलता है अच्छा खासा। अच्छा बिल्कुल नहीं, डब करके आवाज़ आती है पीछे, अक्सर होता है जब रात को गाड़ी खड़ी होती है सुबह 10-11 बजे गाड़ी का ए सी ऑन करते हैं वो एक दफ़ा झटका उसको, नहीं वो झटका और होता है जब पूरे सीजन गाड़ी खड़ी रही है यानी कि नहीं चला ए सी और फिर चलाया वो झटका और होता है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि और उसमें ना बात कर इस तरह होता है कि रॉड टूट भी जाते हैं क्योंकि लिक्विड जो है वो डलता नहीं है, रॉड के ऊपर प्रेशर आता है रॉड टूट जाता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपका सीज़न ख़त्म हो गया है और अगले सीज़न में आप चलाने लगे हैं तो आप पहले ये ले के ना स्क्रू रेंच जी कंप्रेसर की शाफ्ट को 15-20 चक्कर दें हाथ से जी, कंप्रेसर क्रैंक है उसको 15-20 चक्कर आपने हाथ से मैनुअल घुमाना, उसके बाद फिर आप उसको चलाएं, सही ये इसका तरीकाकार। गैस की दूसरी वीडियो में दूसरी बिल्कुल यही कंप्रेसर कितनी पावर का कितनी पावर के वो क्या है 32000 किलो कैलोरी 32000 पोस्ट पर भी पूछ दो 32000 किलो कैलोरी पर आवर एनर्जी में बोलते हैं एनर्जी ठीक ये जो वाल लगा ये कि किस चीज पे सॉलिड वाल ये तो एक्स्ट्रा वाल है हम इसको यहां हमारी बस में तो नहीं आ रहा इधर सेफ्टी वाल ये देखिए ये एक्स्ट्रा ये वाला क्लियर है जी 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 ये सेफ्टी वाल का ये हमारी बस में नहीं लगा हमारी बस में ये इसी तरह का वो रिसीवर टैंकी के ऊपर या पाइप के ऊपर एक वो सिक्का सा उसके अंदर बढ़ा होता है सेफ्टी वाल होता है। हाँ भाई ये वो उन्होंने ये चीज कर दी ना इसमें, हाँ ये तो इलेक्ट्रॉनिक ही उन्होंने दिखाया बस ऑलरेड ये कंप्रेसर को स्विच ऑफ करवा देता है प्रेशर एक्सीड कर दे बहुत ज़्यादा जिस तरह हाई लो प्रेशर स्विच लगाए उसकी जगह ये लगा दी दोनों तरीके से ये चीज़ सर क्या ये जो इसके ऊपर से बेलो आ रही है रिटर्न पाइप को लग रही है ये वाली जी ये उसकी ये थर्मिस्टर है इसको थर्मिस्टर कह सकते हैं या इसको टेम्परेचर सेंसिटिव
कोयल कह सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल इसको कह सकते हैं, हम इसे बेलो कहते हैं, आप लोग कुछ कह सकते हैं। अच्छा, वैसे इसका ये काम ये होता है कि ये रिटर्न के हिसाब से, जो रिटर्न है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करता है कि एसी की कूलिंग कितनी है, उसके हिसाब से फिर ये एक्सपेंशन वेल्व अपनी जो ओपनिंग है उसके साथ ओपनिंग खोलता है और कम ज़्यादा करता है, कम ज़्यादा करता है। अभी जो हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट भी होती है, इस वॉल में वॉल में फिक्स एडजस्टमेंट भी होती है, हम उसको एडजस्ट, लेकिन हम खोलते नहीं है, एडजस्टमेंट उसकी प्रेफरेबल नहीं है जी, इस तरह पीछे से आया है वैसे ही उसको एड दिया जाता है जी, बिल्कुल वैसे, लेकिन अमूमन अगर कोई उसको खोल ले तो फिर उसको एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं एडजस्ट होता। पर ये दो तरीके से काम कर रहा होता है, एक तो पहले एडजस्ट हो गया है वो अपने हिसाब से इसको करवाता है, दूसरा यहाँ पे इसको ये जो लगा हुआ था आप इसको बेलो कह रहे हो जी, इसकी प्रॉग है, ये प्रॉग लगी हुई है रिटर्न लाइन के साथ, उसके हिसाब से जितनी जितनी कूलिंग होती है उसके हिसाब से वो एक्सपेंशन उतनी करवाता जाता है और कूलिंग को मेंटेन करता है। इस हवाले से जो मसले मसाइल आते हैं इसके, उसमें ये होता है कि अगर एक्सपेंशन वेल्व खराब हो जाए तो इसका लो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, लो प्रेशर साइड गाड़ी की कूलिंग नहीं होती तो लो प्रेशर साइड जो है वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। वाल के साथ ही एक लगा होता है उसे बाईपास कहते हैं, ड्राई फार्म के, ड्राई फार्म को वो ट्यूब लगी होती है उसके नीचे बाईपास लगा होता है। अच्छा। गाड़ी का एक प्लांट सर्विस किया, डायवो की बात कर रहा हूँ, प्लांट मैंने सर्विस किया, मैं मतलब साइड पे चला गया, किसी ने शरारत की, उसने जो एक्विलाइजर ट्यूब है ना उसके अंदर शापर को उतार के ना उसके अंदर लगा दिया, मैं जब प्लांट गाड़ी का फिट कर दिया, गाड़ी को सल्फ गए गैस, मतलब 2 किलो डली उसमें गैस, जब उसका एसी ऑन किया तो वो कंप्रेसर हेड उसके बिल्कुल ठंडे, ब्लॉक भी उसका ठंडा, बाकी वो गर्म, तो जब वो पूरी खज्जल खराबी हुई तो फिर जाके पता चला ये जो गैस होती है आपके पास गैस स्टोरेज मशीन क्यों नहीं है? सर वो कहा हुआ है मूर्सर को भी, और रेगुलर की मशीन आती है आपको, उसमें ये नाइट्रोजन से प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो प्रेशर नहीं देती, वो वैक्यूम करती है, वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम, ठीक है, आप उसमें गैस स्टोर करते हैं, गैस स्टोर करने के बाद वो मशीन को लगा के वैक्यूम देते हैं, वो वैक्यूम 15-20 मिनट के लिए वैक्यूम करती है, उसके बाद वो 10 मिनट चेक करती है कि वैक्यूम ड्रॉप तो नहीं हो रहा जी, अगर वैक्यूम ड्रॉप नहीं हो रहा तो वो आपको ओके का सिग्नल देती है, आप वहाँ से उसमें गैस चार्ज करो। मैंने फुरकान साहब से बात की थी लेकिन महंगी बहुत है मशीन, महंगी बहुत है। अच्छा, इसके अलावा कोई और किसी का सवाल हो? सर वो मशीन कितने की है अंदाजा? वो क्या मोर साहब बता सकते हैं आप? और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर आपका टेस्ट शुरू करते हैं।